तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुशबाश होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो जी, आज की जो वीडियो है बहुत ही मज़े की होने वाली है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप लोगों ने जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है मिलती रहें। और वीडियो को एंड पर लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा कुछ दोबारा से मरी जाने का प्लान बन गया आज, और इसलिए मैं जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही हूँ कि सब जल्दी जल्दी नाश्ता कर लें और रेडी हो जाएं और फिर हम लोग निकलें वहाँ जाने के लिए। वहाँ मैं सोचा है कि हम लोग दम वाला कीमा बनाएंगे। उसके लिए मुझे दो चीज़ें जो है ना ग्राइंड करके लेके जानी है। एक तो ये है प्याज और तीन टमाटर ले रही हूँ मैं। इनको मैं अभी ग्राइंड कर लूँगी और उसके बाद मैं किसी जार में भर के ले जाऊँगी। हम सब रेडी हो चुके हैं और सामान बस सब पैक है और मैं अभी जा रही हूँ आज सिंह के साथ गाड़ी निकलवाने के लिए। सब रेडी हैं बस निकलने के लिए। सफ़र पर निकलते ही हमने सबसे पहले गाड़ी को वॉश कराया क्योंकि गाड़ी काफ़ी दिनों से खड़ी हुई थी और गंदी हो रही थी काफ़ी ज़्यादा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आज हम जा रहे हैं मरी और आज हम जाएंगे किसी और डिफरेंट जगह पर। और चलिए हम देखते हैं किस जगह। आई होप कि वहाँ पर मरी पे अब धूप ना हो। इस दफ़ा जा तो हम मरे ही रहे हैं लेकिन इस दफ़ा हम थोड़ा सा चेंज ये किया है कि हम ओल्ड मरी वाली साइड से जा रहे हैं और रास्ते में बहुत ही प्यारे प्यारे नज़ारे हमें देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर छोटे छोटे से जगह होटल्स खुले हुए हैं हर जगह पर जहाँ से गरम गरम पकौड़े मिल रहे हैं। तो हमने आसिम से कहा था कि हमें भी खिला दें, तो उन्होंने हमें एक जगह रुक कर पकौड़े खिलाए और बहुत ही मज़े के थे गरम गरम। जो है ना हम चनार हट्स के पास से गुजर रहे हैं और बहुत ही प्यारी जगह है ये ना। यहाँ है अच्छा माशाल्लाह, बहुत प्यारी जगह है। यहाँ पे पूरे मरी में ना इस रोड रास्ते में हमें जगह जगह इतनी प्यारी कलरफुल ये ना अम्ब्रेला नजर आई है, बहुत प्यारी प्यारी कलरफुल लगी हुई है। हमें ये नजर आया है एक रास्ता जाने के लिए ऊपर और अभी हम मैं और साथा जा रहे हैं और ऊपर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं तो जरा चढ़ना आसान हो जाएगा आंटी के लिए भी और बच्चों के लिए भी। अभी मैं और साजदा आए हैं, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और ये बहुत ऊंची सीढ़ियाँ हैं। चढ़ना ही ऊपर चढ़ाई चढ़ना बहुत मुश्किल, उतरना तो कोई मुश्किल नहीं है। तो हमने कहा एक दफ़ा जा के देख लेते हैं कैसी जगह है, हम जा भी सकते हैं कि नहीं। ये देखें जी, यहाँ का व्यू बैक का, यहाँ से पूरा मरी दिख रहा है। वाओ माशाल्लाह, मैं तो आ ही जाऊंगी, चली जाऊंगी जैसे तैसे, और कोई नहीं जा सकता, बच्चे नहीं जा सकते। हम वापस जा रहे हैं क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल है और बहुत ऊंचाई पे है और समझ नहीं आ रहा कहाँ जाएंगे, ये रास्ता कहाँ जाता है। एक ही जगह है लेकिन यहाँ ये बच्चों के लिए सेफ नहीं है, तो हम वापस जा रहे हैं। सीढ़ियाँ तो बनाई है इन लोगों ने लेकिन इतनी खतरनाक, एक ऊपर दोनों तरफ खाई है। यहाँ पे तो चलो फिर पहाड़ है ना, वहाँ पे जाके ऊपर खाई है सिर्फ, तो बहुत मुश्किल है। देखने में आसान लग रहा था कि सीढ़ियाँ ऊपर और आराम से हम चढ़ जाएंगे लेकिन चढ़ के पता चला कि बहुत मुश्किल है। चाचा जी, ये आप क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? इनसे आग लग जाती है? अच्छा चले अच्छा, हमने तो एक दिन इनकी क्या पहचान है क्योंकि हमने पिछले दफा जलाने की कोशिश की तो जले नहीं थी इनसे आग। सीजे समझा तो उन्हें सूखे ना नहीं तीरा लाओ एकदम आग लग सी। अच्छा चले ठीक है। वो कह रहे हैं इनसे ना ये जो जगह जगह पड़े हुए इनसे आग लग जाती है लेकिन बशर्त ये है कि वो जो है ये वाली चीज़ ड्राई होनी चाहिए, अगर गीली होगी तो आग नहीं लगेगी। हाय हाय मेरे जूते स्लिप कर रहे हैं, हाय 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 मैं स्लिप होने वाली हूँ। हमें जो है जगह मिल गई है और यहाँ पे काफ़ी सारी ना फैमिलीज आके बैठी हुई हैं और अब हम जा रहे हैं अपनी जगह जहाँ पे हमें बैठ के कुकिंग करनी है। तो हम लोग पहुँच गए हैं और मम्मा चूल्हा बनाने के लिए चीज़ें इकट्ठा कर रही हैं। यहाँ पर जो है हमें अच्छी खासी सूखी हुई लकड़ियाँ मिल रही हैं और ये देखिए मैंने इकट्ठा कर भी ली है और ये वाले फूल भी सूखे हुए हैं तो बस अब अभी हम इनको इकट्ठा कर रहे हैं। मुझे तो आ रहा था में नहीं लगवा लेना खड़ी टूट गई लकड़ियाँ जो है हमने काफी
इकट्ठा कर ली है और अब वो सारी मैंने इकट्ठा की चूल्हा जलाने के लिए अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। मैं पत्थर लेके आई थी उठा के, अब चूल्हा बनाते हैं फिर लकड़ियाँ को जलाते हैं। सही कहा था उन चाचा जी ने, हमने ये ड्राई लिए उठाए थे सारे ड्राई जो थे ना वो इकट्ठा कर लिए, तो फटाफट इसमें आग लगी है। साजदा रखो पतीली जल्दी से, तू यहाँ खड़े होकर उसके साथ बैठ के काम कर। हाँ बहुत जल्दी और बहुत अच्छी आग लगी है माशाल्लाह से ना। अब मैं ट्राई स्टार्ट करने लगी हूँ अपना जो है, मैं आज बना रही हूँ दम वाला कीमा। तो अब मैं स्टार्ट करने लगी हूँ दम वाला कीमा बनाने। पतीली मेरी गर्म हो चुकी है और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ कुकिंग ऑयल जो मैं घर से लेके आई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा से डाला ताकि ज़रा यहाँ पे अच्छा भुन जाए। और इसमें मैं डालूंगी सबसे पहले जो मैं प्याज और टमाटर, तीन टमाटर एक प्याज जो ग्राइंड करके आई थी ना घर से, वो डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और प्याज और टमाटर जो ग्राइंड किया हुआ था वो मैंने ऑयल में डाल दिए हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी पिसा हुआ अदरक लहसुन एक, ये ऐड कर रही हूँ। साजदा और देखो इसको, ये देखो ये डालो इसके अंदर, बंद ही ना हो जाए। अच्छा इसमें अभी जाएगा नहीं, ये चम्मच तो बहुत बड़ा है। ये मैं तकरीबन डेढ़ टेबल स्पून ज़्यादा ही डाल देती हूँ ना, है ना आंटी कितना अच्छा लगेगा ना। ये तो ये दो टेबल स्पून मैंने डाला है इसमें अदरक लहसुन। क्या कह रही थी आप? चाहिए लेकिन आप नहीं लेके आए। प्याज टमाटर और अदरक लहसुन मैंने डाला था ऑयल में, और उसके बाद मैंने जो कीमा लेके आई थी वो डाल दी है। और अब मैं इसमें जो मैं मसाले लेके आई हूँ वो डालूंगी। मैं धनिया पाउडर लेके आई हूँ दो चाय के चम्मच, वो डाल रही हूँ इसमें। हल्दी लाई हूँ मैं, हल्दी मेरी ज़्यादा है इसलिए मैं थोड़ी करूँगी, आधा चाय का चम्मच करती हूँ। बहुत ज़्यादा आग लगने लगी थी मुझे। इसका धुआं बहुत निकल रहा है, ये मैंने एक चाय का चम्मच ली थी और मैंने हल्दी डाल दी है तकरीबन आधा चाय से क्या चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा ही है। और मिर्चे जो है मैं लाई थी ढाई चम्मच, ढाई जो चाय के चम्मच थे, तो अब मैं इसमें डालती हूँ डेढ़ टेबल स्पून। स्पाइसी होना चाहिए ना? स्पाइसी डाल ली, स्पाइसी होना चाहिए मज़ा तभी आएगा। खोखली ले ली हमने ना बस गलती की, वो क्या है ना, अब जो है मैं इनको मिक्स कर रही हूँ, मिक्स करके ना मैं इनको कवर करके रख दूंगी कि कीमा अच्छे से जरा खुल जाए। अभी कीमा खुलने में जरा टाइम लगेगा। कीमा मैंने कवर कर दी है और थोड़ी देर इसको कवर ही करके रखेंगे ताकि ये जो है ना पानी मेल्ट हो जाए और फिर इसे हम ना अच्छे से भून लेंगे। हमारी आग बहुत अच्छी जली है और ऐसी जली है कि वो जैसे कोयले नहीं होते दहकते हैं वैसे ये दहक रहे हैं। और आप सबके लिए मेरी तरफ से एडवाइस है, जब भी आप लोग अगर जो लोग नॉर्दर्न एरियाज में कुकिंग करने के शौकीन हैं और करते हैं उनको उनके लिए एडवाइस है कि जब भी पहाड़ी इलाकों में आए तो ये हर जगह ही ये इस तरह के ना ये फूल मिलते हैं, पड़े होते हैं जगह पे। मुझे खुद नहीं पता था, मुझे किसी ने कहा था कि इनसे आग लगती है, तो हमने लास्ट टाइम जब हमने ट्राई किया था तो ये हमने लगाने की कोशिश की तो तब नहीं लगी क्योंकि वो हमने गीले उठाए थे। इनका सूखा हुआ होना जरूरी है। हम यहाँ पे आज आए तो एक मुकामी यहाँ पे बाबा जी गुजर जा रहे थे और ये इकट्ठा कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा ये आप किस लिए इकट्ठा कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि वो ये आग लगाने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। और अगर ये आग लगाने के लिए चाहिए तो इनका ड्राई होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग जब भी आए यहाँ पे कुकिंग करें कोई लकड़ी ढूंढने की जरूरत नहीं है, झाड़ियाँ ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस ये इनको इकट्ठा कर लें और आग लगा लें। जस्ट ये तीली लगाएंगे और आग लग जाएगी, कोई शॉपर लगाने की भी जरूरत नहीं है। ये क्या कहलाता है चाचा जी? जिंदगी का मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे ये जिंदगी के मेले। हम यहाँ पे आए कुकिंग करने के लिए और हमें ये अंकल मिल गए जो हमें ये अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। ¡Gracias!
कीमा जो है बस अब तकरीबन भुनने पे आ गया, मेल्ट हो गया और भुनने पे आ गया, और साथ साथ इतना अच्छा म्यूजिक लगा है, आप लोग वो भी एंजॉय करें। आप यहीं पे थे, कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ रहते हुए? हाँ जी, कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ रहते हुए? मैं बस 3-4-5 महीने बस इधर रहता हूँ, मस्त नौशेरा जाता हूँ। अच्छा, नौशेरा के रहने वाले? अच्छा अच्छा अच्छा, आपका तो अपना इलाका भी बड़ा खूबसूरत है नौशेरा। दरिया भी बड़ा। हाँ, दरिया भी बड़ा। कुनार दरिया है? कुनार दरिया। ये आपने कहाँ सीखा? 50 साल हो गया। 50 साल हो गया जी। आपकी बुद्धि कितनी उम्र है? 66 साल। 66 साल। तो आपकी फैमिली कहाँ है? नौशेरा में। इसके साथ है ना, दिल खुश होता है बस। हाँ, क्या है? हमारा नाम हबीबुर रहमान। हबीबुर रहमान है, और ये हमारे साथ आज हबीबुर रहमान साहब हमें मिले। ये जो आप बजा रहे हैं इसका नाम क्या है? इसका नाम सितार है जी। सितार जी, माशाल्लाह जी, ये सितार बजा रहे थे और इन्होंने बताया कि ये पिछले 40 साल से बजा रहे हैं सितार। 50 साल से सितार बजा रहे हैं। शौक है बहुत, अभी तक शौक खत्म नहीं हुआ, दिल बदल शौक बढ़ जाते हैं। माशाल्लाह 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 जी, बहुत कह रहे हैं दिल बजाने से इसको बहुत खुशी मिलती है, बहुत इंजॉय करते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा बजाया, इन्होंने गाना बजाया था ये जिंदगी के मेले, बहुत अच्छा बजाया, बहुत जबरदस्त बजाया। हमने इनको शामिल किया हमारे साथ, अभी हम खाना बना रहे हैं, हमारे साथ ही खाना भी खाएंगे अभी यहाँ पर। इन्होंने हमें यहाँ पर बहुत अच्छा ये भी बजा के दिखाया, बहुत मजा आया। अभी देखते हैं कुछ और अगर बजाते हैं तो। मसाला जो है मेरा सारा बहुत अच्छे से भुन गया, और ऑब्वियसली मैंने मैं ये ऐड करने लगी हूँ, ये टमाटर है और प्याज, हरी मिर्ची और अदरक काफी सारा काट के रखा। टमाटर कितने काटे हैं? 5 टमाटर है, और प्याज 3 प्याज है जिनको हमने ऐसे काट लिया, और अब मैं ये सब इसमें ऐड करने लगी हूँ। टेलीफोन करते हैं, मैं आता हूँ। अच्छा, जब जरूरत होता है तो बुला लेते हैं। खुश होते हैं वो। अच्छा, हाँ, होटल भी चलते। अच्छा, और बस उसके साथ गपशप भी है। हाँ। दो बेटे है वो, एक बाप है। अच्छा, और हमारे साथ तबियत लगे, बस टेलीफोन करते हैं, भाई तुम किधर है? मैं दरिया के किनारे में। अच्छा, वो बोलते आओ नहीं इधर यार, तुम नहीं आते। दरिया का किनारा कौन सा? वो वहाँ पे वो वाला नौशेरा जी, नौशेरा वाला, नौशेरा वाला दरिया का किनारा। आजकल बहुत बड़ा। हाँ जी, सही सही। और आपके बच्चे क्या करते हैं? हमारा बच्चा पलस्तर करता है जी। पलस्तर करता है जी। कहाँ पे? पिंडी में। पिंडी में जी, रावलपिंडी में जी। किस जगह पर? पता नहीं, बस काम करते हैं उधर, हमारा पति जी के साथ बस लगे हुए हैं। अच्छा, वो करता है। और बाकी बच्चे क्या करते हैं? बाकी नौशेरा में? ओ, नौशेरा में वो सबक पढ़ते हैं कुरान का। अच्छा, एक हफेज बनाते हैं। अच्छा, और दोनों मैं अल्लाह का बोल दिया, दोनों तुम्हारा है। अच्छा, ऐसे तुम क्या चीज बनाते हैं? वो बनाते हैं, वो मदरसे में जाते हैं, बस मदरसे को दे दिया तुम जी। अच्छा 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 अच्छा, सही। मिक्स कर लिया इसमें डाल के, बस जो मैंने प्याज और टमाटर और हरी मिर्ची काटी थी, और अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि आग बहुत तेज है और मसाला जलने का डर है, तो इस मसाला जले ना इसलिए मैंने ये थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया, और अब मैं इसे कवर करके रख दूंगी। ये कौन सा गाना? पर्दे में रखने दो, पर्दे में रहने दो भाई। एंजॉय करें आप। चाचा जी आके कह रहे हैं। सारे चाचा जी बोल रहे हैं तो वो भी चाचा जी बोल रही हैं। चाचा जी आके बोल रहे हैं, हम आप लोगों के साथ अभी तो हमारा आज जो है आज का ट्रिप अपने ही अंदाज का जबरदस्त है, क्योंकि हमें आज ये चाचा जी मिल गए हैं जो हमें
अपने टैलेंट के साथ बहुत ही इंजॉय करा रहे हैं, जो इन्होंने सितार बजा रहे हैं, बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है, तो हम सब इसको इसके साथ बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो मैं अभी जो है अपना जो कीमा है मैंने दम पे लगाया हुआ था, खोल रही हूँ, तो चम्मच ही लगा लूँ चला लूँ क्योंकि आग जो है बहुत तेज़ लगी हुई है नीचे ना, तो ये ना हो कि सब जल जाए। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का बन रहा है। इस दफ़ा हम फिर जो है हरा धनिया ना भून आए हैं घर में, और यहाँ पे जो है हम जब यहाँ पे मरी में आए तो सबने कहा से पूछा दुकानदारों से, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे ना हरा धनिया नहीं मिलता क्योंकि हरा धनिया जैसे ही उगता है तो जल जाता है पहाड़, क्योंकि यहाँ पे जो पहाड़ों पे जो धूप होती है ना वो बहुत तेज़ होती है तो फ़ौरन से जला देती है, इसलिए यहाँ पे हरा धनिया जो है नहीं मिलता। मेरा जो कीमा है वो रेडी हो गया और अब मैं इसे चूल्हे से उतारने लगी हूँ, आग पर से उतारने लगी हूँ क्योंकि मसाला लगने वाला है। मेरी जो कीमा है वो बन गया है और अब बस अब हमने ये आग बंद करनी है और ये मैं हटाने लगी हूँ यहाँ से क्योंकि बहुत गर्म है। कहाँ रखूँ इसे, नीचे ज़मीन में रख दूँ? यहाँ रख रही हूँ। सालन तो हमारा बहन ने बना दिया, बस इंशाल्लाह चाचा होगा। ये लो बाबा, हां चाचा जी को दे आ सकता है। आंटी कैसा बना है खाना? है बहुत मजे का ना, अब यहाँ पे ठंड भी होने लगी है ना। अंकल अब खाना कैसा लगा? बहुत मजेदार, बहुत मजे का, सामने से होटल भी नहीं है। अच्छा चलिए शुक्रिया, बिल्कुल चलिए अच्छा शुक्रिया। घर में जब पकता मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, मुझे कीमा ही नहीं पसंद, लेकिन इधर बार बहुत मजे का बना। हम लोगों ने खाना बना के खा लिया और अब हम सब वापस जा रहे हैं अपने घर की तरफ, सारा सामान पैक कर लिया और हम जा रहे हैं अब वापस। हाँ सारा सामान पैक हो गया है। ईमान से कहे अबरिश को पकड़े, थक गए आज। मैं थक जाती हूँ, मैं थक जाती हूँ। बहुत एंजॉय किया आज हमने, बहुत 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 ज़्यादा। पिछली दफ़ा भी एंजॉय किया था, इस दफ़ा का अलग मज़ा था। आंटी हाँ कैसा लगा? आंटी का सांस की प्रॉब्लम हो रही है। हाँ ऊंचाई चढ़ रहे ना अभी। हाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और अब हम वापसी का हम वापस और जा रहे हैं घर की तरफ। अभी तो गाड़ी में जाएंगे फिर उसके बाद ही निकलेंगे गाड़ी में जाएंगे। तो आज हमें बहुत मजा आया, तो दादू आपको क्या मजा आया? आपको बहुत मजा आया, बहुत ही अच्छी कुकिंग की है तैयबा ने, कीमा बहुत टेस्टी बनाया था, बहुत ही मजा आया। आज का ट्रिप कैसा रहा, कैसा रहा, किस जगह कैसी थी? बहुत मजा आया और मम्मा ने खाना इतना मजे का बनाया, घर में इतना मजे का नहीं लगता, इधर बहुत मजे का लगा। आज हम यहाँ भूरबन आए हैं, आज का टूर बहुत अच्छा था, बहुत ही मज़ा आया यहाँ पर, बहुत ही यहाँ पर हमने एंजॉय किया। तैयबा ने खाना बनाया बहुत ही टेस्टी था, कीमा दम वाला बनाया था, बहुत मज़ा आया। खाना छाना खा के अब वहाँ पर सर्दी हो गई थी, इस वजह से हम लोग ना अब नीचे उतर रहे हैं पहाड़ से, वापस आ रहे हैं, अब हम घर वापस जा रहे हैं। अब हम जाएंगे घर वापस, होपफुली आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा आज का ट्रिप हमारे साथ साथ। तो जिस तरह आज मैंने दम वाला कीमा बनाया तो आप लोग भी ट्राई करिएगा, और अगर हो सके तो आप भी अगर इस तरह पहाड़ी इलाकों में जा सकें और वहाँ भी ट्राई करें तो बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा, क्योंकि लकड़ियों पर बनाने का अपना मज़ा है। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर ख़त्म और मिलते हैं न्यू व्लॉग में। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे। तो मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।